आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई सफाई कर्मचारी और स्टाफ असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीआई असिस्टेंट और जो चपरासी की भर्ती निकली है उस पर। कुल कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये जो पहले भर्ती निकली थी वही है या कोई नई भर्ती है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था वो लोग इसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे, उनको दोबारा फॉर्म भरने होंगे, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिए ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी बात समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, बात करें अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सफाई कर्मचारी और स्टाफ भर्ती 2024 के बारे में, तो ये वही भर्ती है जो 20 दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल आई थी। किसी कारण वो भर्ती आगे नहीं बढ़ी और उसको वहां रोका गया, जो जिसका लास्ट डेट थी 9 जनवरी 2024। अब ये रीओपन हो गई है आज से, और आज से इसके फॉर्म भरना शुरू किए गए हैं 21 जून, जो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात के 11:30 बज रहे हैं और 21 जून है। आपको हो सकता है ये 22 जून वो वीडियो मिले, तो 21 जून से 27 जून, मतलब सिर्फ एक हफ्ते की आपको यहाँ पर मिल रही, क्योंकि ऑलरेडी एक काफी दिन पहले इसको आपको मिल चुकी है। तो अगर दोबारा किसी की जो है फॉर्म भरने का इसमें इरादा है तो वो अभी भी भर सकता है। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम पोस्ट प्रपोज्ड है, होना है। फी की बात करें तो ₹850 यहाँ पर आपको फी मिलने वाली है, जो कि जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर EWS जनरल और ओबीसी के लिए ₹850, SC ST के लिए यहाँ पर ₹175 फीस रखी गई है। एज की बात करें तो 18 से 26 साल की एज है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 26 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 484 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पास हो आप, और जिस भी स्टेट में आप भर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो आपको हिंदी और उर्दू आनी चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो मराठी, गुजरात से भर रहे हैं तो गुजराती, उड़ीसा से भर रहे हैं तो वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उड़िया, उसको आना आपके लिए जरूरी होगी। इसी तरह स्टेट लैंग्वेज अलग है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी स्टेट्स की अलग अलग लोकल लैंग्वेज हैं, उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, वो लोकल लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का जब अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा तो उसमें 30 नंबर का टेस्ट होना है, इसलिए वहां की लोकल लैंग्वेज आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब साफ है कि अगर आप जैसे गुजरात से हैं, आप महाराष्ट्र से भर सकते हैं, आप गुजरात से हैं तो यूपी से भी भर सकते हैं, यूपी वाला गुजरात से भर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, जब वो लोकल लैंग्वेज का 30 नंबर का टेस्ट आएगा वहाँ वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसीलिए आप वहीं भरें जहाँ आपको उसका लोकल लैंग्वेज अच्छे से लिखना, समझना, पढ़ना आता हो। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, 70 मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होने वाला है आपसे, जो कि 90 मिनट का होगा, लगभग 1.5 घंटा जिसे कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होगी जो कि 10 नंबरों की होगी। GA जनरल अवेयरनेस होगी, जो मतलब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबरों का होगा। मैथमेटिक पूछी जाएगी, अरिथमेटिक मैथ्स होगी जो 20 नंबरों की होगी, और रीजनिंग पूछी जाएगी जो कि 20 नंबरों की होगी। टोटल मार्क्स इस तरह आप देखते हैं तो करीब 70 नंबर यहाँ पर बनते हैं जाकर आपके, जिसमें से इंग्लिश है, बाकी 20-20 क्वेश्चन है, बाकी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हो गया टोटल मार्क्स। अब लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जिसका टेस्ट होना है आपका 30 नंबर का, तो इस तरह आप देखेंगे 70 और 30 कितना हो गया आपका 100 नंबर। टोटल 100 नंबर का टेस्ट होना है, जिसमें 70 आपका रिटन है, जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो टेस्ट होता है, मल्टीपल स्किल का टेस्ट होता है वो, और बाकी लोकल लैंग्वेज का 30 नंबर का यहाँ पर टेस्ट होगा, जो कि 30 मिनट का होगा यहाँ पर। होपफुली यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट से, जहां आपको मिलने वाली है एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, लास्ट में अपील की आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल